आज हम देखेंगे कि जो डी रैम रिफ्रेशिंग होती है वो क्या होता है। देखो, जो मेमोरी रिफ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो पीरियोडिकली की जाती है, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मेमोरी होती है उसके किसी एक एरिए में से क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया जाता है और उसके बाद इमीडिएटली उसको रीराइट यानी दोबारा राइट किया जाता है, जो हमने इंफॉर्मेशन रीड किसी एरिया मेमोरी के एरिया में से, और उसी एरिया में से उसको वापस से रीराइट किया जाता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। किस पर्पज़ के लिए हम उसको बिना किसी मॉडिफिकेशन के राइट करते हैं सेम एरिया में, क्योंकि हम प्रिजर्व करते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब लॉस्ट होने से बचाते हैं। जो मेमोरी रिफ्रेश होती है वो एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है जो कि रिक्वायर है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डी रैम। सेमीकंडक्टर मेमोरी डी रैम होती है, यानी डायनामिक रैम एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी ऑपरेशन के लिए ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है मेमोरी रिफ्रेशिंग जो रिक्वायर है उसकी ऑपरेशन के लिए डी रैम के लिए। एक जो डी रैम चिप होती है उसके अंदर क्या होती है, जो मेमोरी डाटा होता है उसका, उसकी हर एक बिट को स्टोर कैसे किया जाता है, एक स्मॉल कैपेसिटर्स के अंदर ऐसे चार्ज उनको स्टोर किया जाता है चिप के अंदर, और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है जो चार्ज होंगे मेमोरी सेल्स से वो लीक होते रहते हैं, तो विदाउट बीइंग रिफ्रेश, अगर हमने उनको रिफ्रेश नहीं किया जो स्टोर डाटा है उनके अंदर चिप्स के अंदर सेल्स के अंदर जो स्टोर डाटा है वो बिना अगर हमने रिफ्रेश नहीं किया तो वो लॉस्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए, डाटा को लॉस्ट होने के बचाने के लिए जो एक्सटर्नल सर्किट एक हम लगाते हैं जो क्या होता है पीरियोडिकली रीड करता है हर एक सेल को और उसको रीराइट करता है, यानी कि रिस्टोर करता है चार्ज को कैपेसिटर के अंदर उसके ओरिजिनल लेवल तक। क्या होता है जब ये रिफ्रेश साइकिल जो हो रही होती है, जब ये प्रोसेस में होती है तो क्या होता है जो मेमोरी है वो अवेलेबल नहीं होती नॉर्मल रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए। दो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रिफ्रेशिंग करने के लिए मेमोरी को। सबसे पहले क्या है, बर्स्ट रिफ्रेश है। इसके अंदर क्या होता है, एक रिफ्रेश साइकिल्स की सीरीज होती है जो परफॉर्म की जाती है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्या है रिफ्रेश साइकिल्स की सीरीज है वो परफॉर्म होती है। कब तक परफॉर्म होती है, जब तक कि सभी रोज हमारी रिफ्रेश नहीं हो जाए मेमोरी सेल्स की, और उसके बाद क्या होता है जो हमारी मेमोरी होती है वो एक्सेस करती है नॉर्मली, उसके कब तक वो नॉर्मली एक्सेस करेगी, जब तक हमें नेक्स्ट रिफ्रेश साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश हमारा क्या है सेकंड टेक्निक है रिफ्रेशिंग करने के लिए मेमोरी को। इसके अंदर क्या होता है, रिफ्रेश साइकिल्स परफॉर्म करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। देखो, जो बर्स्ट रिफ्रेश था उसके अंदर हमारी परफॉर्म सीरीज चल रही थी कंटिन्यूस, लेकिन इसके अंदर पीरियोडिकली हमें हमारे रिफ्रेश साइकिल्स आएंगे जो इंटरस्पर्स होंगे मेमोरी एक्सेस के साथ। और जो हमारा रिफ्रेश साइकिल इंटरवल होगा, मतलब कितने साइकिल के बाद हमारा रिफ्रेश साइकिल दोबारा आएगा, वो क्या होगा, रिफ्रेश टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज़।